परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतदान लोग जिनको बच्चन और रंजन को जिनको पीडीए कह रहे हैं उनको वोट दें, क्यों वोट दें? जो मुसलमान समाजवादी पार्टी में विधायक है उनका जरा सा भी जमीर अगर जिंदा है तो उनको राज्यसभा के चुनाव से बहिष्कार करना चाहिए। कि वो खुद हिंदुओं के भी हितोषी नहीं है, वो मुसलमानों के भी हितोषी नहीं है। समय है नाराजगी का, ये समय नाराज होने का भी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। पल्लवी पटेल ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। जाटलैंड के छोटे चौधरी ने टाटा बाय बाय कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बहुत बड़ी खबर जल्द आने वाली है। दारा सिंह चौहान से लेकर ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही अखिलेश यादव से पिंड छुड़ा लिया है। ऐसे में सवाल है कि हर किसी से अखिलेश यादव का जुड़ाव टेम्परेरी क्यों है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सामने है। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में देश के सबसे बड़े स्टेट की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? लोकसभा चुनाव का इंतजार छोड़िए, राज्यसभा चुनाव से पहले ही खेला स्टार्ट हो चुका है और वजह है अखिलेश यादव की पॉलिसी। और नारा क्या है हमारा? पीडीए। तो अगर पिछड़ा दलित मुसलमान अल्पसंख्यक समाज हमारा नारा है तो हमारी करनी में और हमारी कथनी में वो दिखना चाहिए। हम वोट उनका ले रहे हैं लेकिन जब ईमानदारी से प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो हमको बाध्य कर दिया जाता है कि हम मदान लोग जिनको बच्चन और रंजन को जिनको पीडीए कह रहे हैं उनको वोट दें, क्यों वोट दें? राजनीति ईमान से होती है और हम प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर के कि पिछड़ा दलित मुसलमान समाज का अगर वोट ले रहे हैं तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर उनकी भागीदारी नहीं है तो वोट क्यों है? तो सुना आपने, पल्लवी पटेल विधायक तो समाजवादी पार्टी की हैं लेकिन राज्यसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट को वोट देने से साफ इनकार कर रही हैं। पल्लवी पटेल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की सिराथू सीट से योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, लेकिन अब की बार खेला करने की तैयारी में है। पूछ रही है कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उस पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की इक्वेशन में जया बच्चन और आलोक रंजन कहां से फिट हो रहे हैं? दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने टिकट जरूर दिया था लेकिन शर्त रखी कि साइकिल के सिंबल पर लड़ना होगा। पल्लवी पटेल साइकिल के सिंबल पर लड़ी और जीती भी। ऑफिशियली समाजवादी पार्टी की विधायक तो हैं लेकिन कहा जा रहा है कि अपनी मां कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा का टिकट चाह रही थी। समाजवादी पार्टी में जो तूफान खड़ा हुआ है उसके पीछे की बड़ी वजह राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवारी है। अखिलेश यादव ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है। इनमें पीडीए की इक्वेशन में दलित होने के नाते सिर्फ रामजीलाल सुमन फिट बैठते हैं। पल्लवी पटेल ही क्यों, मौलाना भी अखिलेश की राज्यसभा वाली लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमानों की हैसियत पार्टी के कार्यक्रम में दरी बिछाने की रह गई है? मतलब मुसलमानों को खड़ंजा अध्यक्ष बनाओगे, नाली अध्यक्ष बनाओगे, मुसलमानों को गली का अध्यक्ष क्या बनाओगे, मुसलमानों को लाल, मुसलमानों के 10-10 साल के बच्चों को लाल टोपियां पहना करके घरों में दाखिला आप कर दोगे, और जब बड़े बड़े ओहदों का नंबर आएगा तो आपके खानदान के लोग नजर आएंगे या ये फिल्म सिटी के लोग आएंगे नजर आएंगे, क्या है ये? अखिलेश यादव जिस मुस्लिम वोट बैंक से बड़े समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं अब वहीं से उनके खिलाफ आर पार की आवाजें उठने लगी हैं और ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की आबादी में मुसलमान 20% हैं, राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 36 पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40-50% के बीच मुस्लिम आबादी है, 12 लोकसभा सीटें ऐसी जिस पर 30-40 के बीच, तो 18 लोकसभा सीटों के इलाके में 20-30% तक मुसलमान है। यानी अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से छिटक गए तो फिर समाजवादी पार्टी की पूरी जमीन खिसक सकती है। ये बिल्कुल सही बात है, वो मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों से कुर्सियां बिठवाना चाहते हैं, मुसलमानों से दरी वो बिछाना चाहते हैं और इसके अलावा मुसलमानों को वो इख्तदार नहीं देना चाहते, वो कुर्सी नहीं देना चाहते, मुसलमानों को वो यूज करते हैं। कभी वो हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि वो खुद हिंदुओं के भी हितोषी नहीं है, वो मुसलमानों के भी हितोषी नहीं है, ना हार्ड हिंदू ना सॉफ्ट हिंदू, वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा इख्तदार, मेरी कुर्सी बाकी रहे।
एक तो पहले से ही बीजेपी राम लहर में यूपी के 80 के 80 सीटों पर दावा ठोक रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अब तक तो रामलला के दर्शन इसलिए नहीं किए कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर डेंट ना लग जाए, लेकिन अब तो मुस्लिम नेता भी खुलकर सामने आ चुके हैं। ऐसे में अखिलेश करें तो क्या करें? ये पार्टी के अपने अंदर की बात है और इसके समाधान भी निकाल लेंगे। इस समय है नाराजगी का और इस समय है नाराज होने का भी। अखिलेश यादव टेंशन में तो हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के सामने दिखा नहीं सकते। चुनावी दंगल में भला सेनापति सरेंडर कैसे कर दे? लेकिन अखिलेश और उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर इसे कौन समझ सकता है? वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ स्वयंभू नेता हैं जो खुद को आला कमान मान के बैठे हैं, इससे पार्टी के जनाधार पर असर पड़ रहा है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि पार्टी में कुछ स्वयंभू बड़े नेता हैं जो अपने को पार्टी का आला कमान मान के चलते हैं, उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं है। किसी को कुछ भी कह देना, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देना, मेरे बयान को निजी कह देना, इस तरह के लोग कहीं ना कहीं पार्टी का भट्टा बैठा रहे हैं, पार्टी का जनाधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसीलिए उन सारी बातों को मैंने मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना उचित समझा और इसीलिए उस पत्र को मैंने भेजा, जैसे कि समय रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सारी पार्टी में चल रही गतिविधियों की जानकारी हो जाए। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से पाला बदलकर साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अब समाजवादी पार्टी की असलियत का पता चल चुका है। वो आगे क्या करेंगे, इसका इंतजार तो उनके समर्थकों को भी है। स्वामी को असलियत देर से समझ में आई, लेकिन राजभर हकीकत पहले भाप गए और वो भी अपना रास्ता बदल चुके हैं। पल्लवी पटेल जी ने बहुत सही कहा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक, जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिला है, उसका हिस्सा लूट रहे हैं समाजवादी के लोग, सरकार बना बना करके मुसलमानों का, दलितों का हक लूट रहे हैं, अत पिछड़ों को कुछ दे नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल ने जो बयान दिया है कि हम राज्यसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे, पीडीए का जो फार्मूला है वो झूठा फार्मूला, वो सही कहा है। हम ये भी कहते हैं कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी में विधायक है, उनका जरा सा भी जमीर अगर जिंदा है तो उनको राज्यसभा के चुनाव से बहिष्कार करना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में घिरते दिख रहे हैं। अखिलेश में अपने पिता मुलायम सिंह वाला करिश्मा नहीं दिखता जो सबको साथ लेकर चल सके। अखिलेश यादव विचारधारा के स्तर पर भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। भैया में कमी नहीं, भैया की पार्टी की विचारधारा में कमी है। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में होता है, जिस दल में होता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। अब आप देखिए कि जितने भी उनके दल में लोग जाते हैं, वो कभी राम के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं, वो भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते वो देश के विरोध में उतर जाते हैं। तो इसलिए जब उनको ये समझ में आता है कि ये तो गलत पार्टी है, ये पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं बैठी है, तो पूरा देश के विरोध में उतर जाती है। तो इसलिए जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है वो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देता है। और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। एक और अखिलेश यादव राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद ही अपनों के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से अखिलेश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी में अब बड़ी फूट हो सकती है। पार्टी के 10 से ज्यादा विधायक अब क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 3 और बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में वोटिंग अब तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के लिए समाजवादी पार्टी के करीब 10 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इसे बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े सोर्सेस का दावा है कि पार्टी के कई विधायक उनके लगातार संपर्क में है। इनमें से गोरखपुर, काशी और अवध क्षेत्र है जहाँ के कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या फिर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं।
एक और राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के पार्टी संभालने से भी नहीं संभल रही, तो दूसरी ओर यूपी में अब तक उनकी सहयोगी रही कांग्रेस कंफ्यूज है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। राहुल गांधी को वाराणसी के बाद भदोही जाना था, लेकिन अब उनकी यात्रा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के वायनाड जाने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी वापस इस यात्रा को यूपी में ही प्रयागराज जिले से शुरू करेंगे। यात्रा यूपी में है और अचानक राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंच जाते हैं तो यूपी को लेकर राहुल गांधी की गंभीरता समझी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कैसे यूपी में 80 की 80 सीटों के साथ 400 प्लस के टारगेट पर आगे बढ़ रही है, इसकी तस्वीर दिल्ली से आई। प्रगति मैदान के गांधी मंडपम में पार्टी की जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तस्वीरें हैं। देश भर से आए 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। टॉप लीडर से लेकर जमीन पर काम करने वाले तमाम नेता मौजूद दिख रहे हैं। स्टेट की लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप बैठी है, एक अनुशासन दिख रहा है, कहीं कोई नाराजगी नहीं और मिशन सिर्फ एक। वो चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। राहुल कंफ्यूजन में है, अखिलेश अपनी पार्टी में ही उलझे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारियों को मिशन मोड में पहुंचाने की फाइनल रणनीति बना ली है। ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनावी दंगल में कौन वाकई सीरियस है और कौन नॉन सीरियस प्लेयर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।